हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ X11 फॉरवर्डिंग कैसे एनेबल करते हैं लिनक्स में। तो सबसे पहले मैं उसका स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद उसको एनेबल कैसे करते हैं उसका मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। X11 फॉरवर्डिंग एनेबल करने के लिए सबसे पहले उसकी पैकेज होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें पैकेज क्या क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी XORG 11 सर्वर XORG। उसके बाद दूसरा पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा XORG 11 XAuth। उसके बाद XORG 11 एप्स। उसके बाद आपको करना पड़ेगा XORG X11 फॉन्ट्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा XORG X11 यूटिल्स। और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी कमांड है yum install। उसके बाद आपको यहाँ पे पैकेज का नाम दे देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा etc/ssh/ssd कॉन्फिग में आपको X forwarding 11 यस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका कमेंट होगा तो यहाँ इसको आपको अनकमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ssd की सर्विस को रिस्टार्ट करना। तो उसके लिए कमांड होती है systemctl restart ssd। अगर आपका RHEL 7 है और Syntex 7 है, तो अगर आपका 6 है तो उसमें चलेगी कमांड आपका service ssg, उसके बाद रिस्टार्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक नया सेशन लेके पुट्टी का सेटिंग करना है। अगर आपके पास NovaX नहीं है तो आप इसको पुट्टी में भी चेक कर सकते हो। पुट्टी का सेटिंग कैसे करते हैं, आपको पुट्टी खोलना है, यहाँ पे आपको IP डालना है, पोर्ट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, X11 पे क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे एनेबल एक्स फॉरवर्डिंग एनेबल करनी पड़ेगी। उसके बाद ओपन करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या कमांड यूज करना पड़ेगा आपको, X clock। जैसे ही आप टाइप करोगे उसके बाद यहाँ पे आपकी ये क्लॉक खुल जाएगी। आपकी क्लॉक खुल गई इसका मतलब आपका वर्किंग कर रहा है। अगर आपकी X clock नहीं खुल रही है तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो उसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपको डिस्प्ले से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर सेम यूजर पे कर रहे हैं तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले का वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। अगर किसी और यूजर के लिए कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस यूजर पे स्विच करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, रूट पे चेक किया है, यहाँ पे क्या किया है XAuth लिस्ट किया, तो यहाँ पे सारे लिस्ट हमें दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको Oracle के लिए करना है तो आपको Oracle के ID पे स्विच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑथेंटिकेशन ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए क्या कमांड होती है XAuth। उसके बाद यहाँ पे जो आपको आउटपुट आएगा यहाँ पे सेम आपको कॉपी पेस्ट करनी है, आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपका फोन से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। और वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, आपको सिर्फ वन टाइम क्लिक करना है तो एक्सपोर्ट, आपको बाद यहाँ पे वेरिएबल सेट करनी है। अगर आपको किसी यूजर के प्रोफाइल पे सेट करनी है तो उसकी प्रोफाइल में जाके आपको वहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे yum install। उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नाम, यहाँ पे पैकेज का नाम दे देते हैं हम लोग XORG-। उसके बाद यहाँ पे स्टार करोगे, यहाँ पे आपको यस करना है। ये पैकेज हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं सारे, ये डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली हमारा ले लेगा। ये पैकेज हमारी इंस्टॉल हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा SSD की फाइल को चेक करना। हम लोग SSD की फाइल पे जाते हैं, DI etc SSH, उसके बाद SSD config। और यहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेगी वो एनेबल है या नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। और नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका यस किया हुआ है। अगर आपका यस नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा SSD की सर्विस को रिस्टार्ट करना। तो कर देते हैं systemctl। उसके बाद हमें यहाँ रिस्टार्ट
किसको करनी है, एसएसडी को। एसएसडी, ये हमारा रिस्टार्ट हो गया है। अब आपको पुट्टी का सेटिंग कर लेने के बाद आपको चेक करना है। ये अभी हम लोग चेक कर रहे हैं मोबाइल एक्सटर्न में। अब हम लोग दोस्तों चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक नया सेशन लेते हैं। यहाँ पे सेशन पे आते हैं, न्यू सेशन, यहाँ एसएसएस पे आते हैं, यहाँ पे आईपी टाइप करते हैं। यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पे आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओके कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल सी कमांड चलानी पड़ेगी, एक्सप्लोर। ये देखिए यहाँ पे आपकी ये टाइमर शुरू हो गई है, ठीक है।